नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डेसिमल एरर के बारे में। तो डेसिमल एरर बेसिकली जो कंप्यूटर और कैलकुलेटर में जो आप एडिशन करते हैं तो उसमें आप बाइनरी नहीं प्रोवाइड करते हैं। अभी आपने जो एड्रेस पढ़ी, पैरेलल एरर पढ़ा या सीरियल एरर पढ़ा, तो वहां पे आप देख रहे थे कि आप 0 1 वो सब प्रोवाइड कर रहे थे। तो एक्चुअल में तो आप ऐसे नहीं करते हैं। जैसे कैलकुलेटर होता है, अभी कैलकुलेटर अपने पास, तो इसमें आपको ऐड करना है, तो 2 + 5 आपने किया, आंसर आ गया 7। तो आपने 2 और 5 का बाइनरी यहां पर नहीं दिया, डायरेक्टली आपने डेसिमल प्रोवाइड किया। तो ये अंदर किस तरीके से, अंदर तो कुछ कन्वर्जन हो रहा होगा डेफिनेटली। तो अंदर इसमें जो होता है वो बीसीडी एडर होता है। बेसिकली बीसीडी एडर है इंटरनली, वो यहां से जो हम डेसिमल दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड जनरेट करेगा, एड करेगा फर्दर, उसके बाद फिर आपको यहां पर डेसिमल में ये सारा एडिशन किया, उसके बाद डेसिमल आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है, कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर दैट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन डायरेक्टली इन डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस बीसीडी एडर इंटरनली विच एक्सेप्ट द बाइनरी कोडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। क्लियर है। अ डेसिमल एडर रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 9 इनपुट्स। तो इसके लिए कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी? 9 इनपुट्स की और 5 आउटपुट्स की। 9 इनपुट्स क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, दो इनपुट हैं, एक ही हो गया 2 + 5। तो सपोज ए प्लस बी मैं करना चाह रहा हूं, तो ए हो गया और बी, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए बीसीडी में, अगर एक डेसिमल डिजिट है उसे बीसीडी में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कितने बिट की रिक्वायरमेंट होती है डेसिमल को बीसीडी में कन्वर्ट करना? 4 बिट की। तो 4 बिट इसके लिए हो जाएंगे, 4 बिट इसके लिए हो जाएंगे, 8 हो गए और एक कैरी, प्रीवियस कोई कैरी आ रही होगी वो, तो कितने हो गए? 9 इनपुट्स हो गए। जो आउटपुट आएगा एक डिजिट में जैसे आ रहा है, 1 डिजिट में आ रहा है, तो यहां पर 4 इसके लिए हो गए और 1 आउटपुट कैरी के लिए, तो 5 इसके लिए। तो ये मिनिमम इस वजह से गए, ज्यादा भी हो सकते हैं जब डिजिट की ज्यादा की बात कर रहे हैं, सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में 9 इनपुट्स होंगे और 5 आउटपुट्स। तो वो लिख भी दिया हमने, सिंस 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू कोड ईच डेसिमल डिजिट एंड द सर्किट मस्ट हैव एन इनपुट कैरी एंड आउटपुट कैरी। क्लियर है। तो देखिए हम टेबल देखते हैं फॉर डिजाइनिंग बीसीडी एरर। बीसीडी एरर अगर हमें डिजाइन करना है तो उसके लिए टेबल देखिए। देखिए अगर कोई नंबर है जिसका हमने सम किया और वो सम 0 से लेके 9 तक के बीच में आता है, तो आप 0 से 9 तक का बाइनरी देखें या बीसीडी देखें तो सेम होते हैं। 0 से 9 तक का बाइनरी और बीसीडी सेम होते हैं, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम 9 से ऊपर जाते हैं 10, तो 10 में आप देखिए बाइनरी जो हो रहा है इसमें 1010 और 5 डिजिट में अगर देख रहे हैं तो 0 1 0 1 0। और यहां पर डेसिमल को अगर आप बीसीडी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 1 को 1 रख लिया, ठीक है ना, क्योंकि हम ये कैरी की तरह का आते हैं कैरी, तो 0 को आपको 4 0 से प्रिंट करना पड़ेगा, 4 बिट में प्रिंट करना होता है, बिकॉज यहां 19 तक अगर आप लिख रहे हैं तो 1 से काम चल जाएगा, एक एक डिजिट से, क्योंकि 1 ही आना है। अगर लेकिन 2 अगर यहां 20 अगर मैं करता है इसे 20 तक, तो 2 को फिर आपको 4 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, 4 बिट 2 के लिए और 4 बिट 0 के लिए। तो 19 तक से बताया है फॉर सिंपलिसिटी, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 10 के लिए यहां अलग रिप्रेजेंटेशन है, यहां अलग है। ऐसे ही 11 के लिए किया, तो 11 का बाइनरी आपने सिंपल ये लिखा, लेकिन बीसीडी में 1 है और फिर 1 का बाइनरी है, देख पा रहे हैं आप बीसीडी में, देखिए फिर 1 है और फिर यहाँ 2 का बाइनरी, 3 का, 4 का, 5 6 7 8 9। तो डेसिमल में क्या होता है, इंडिविजुअल जो डिजिट होता है उसके लिए हम बाइनरी अलग लिखते हैं। या 1 है बेसिकली कैरी की तरह रखा है, इस वजह से इसके लिए 4 डिजिट में 4 डिजिट में बाइनरी नहीं लिखा है, 1 से काम चल पा रहा है, तो इसे हमने आउटपुट कैरी की तरह ले लिया सिंपली। क्लियर है। तो यहां पर हमें कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा, सर्किट में कुछ ऐसा प्रोविजन करना होगा जिससे जो सम आ रहा है, एड होगा, एडिशन हो रहा है बाइनरी में, एड हुआ, उसका हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा बीसीडी में, तो बीसीडी में कन्वर्ट हो जाए। एक बार अगर इस तरीके से हमें कन्वर्जन मिल गया तो उसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे तो आसानी से डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसे लेकिन करने के लिए फिर फर्दर और सर्किटरी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है। तो यहां से अगर आप इस टेबल से देखें तो इस टेबल से 10 से लेके 19 तक के कॉम्बिनेशन है बेसिकली वो इनवैलिड बीसीडी दे रहे हैं, तो उन्हें हमें वैलिड वीसीडी बनाना होगा। किस तरीके से हम बनाते हैं, मैंने लिखा है, देखिए, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द टेबल दैट ए करेक्शन इज नीडेड व्हेन द बाइनरी सम
हैज एन आउटपुट कैरी के इज इक्वल टू वन। तो सबसे पहले यहां पर कहा है कि के की वैल्यू जब कभी वन है तो उस समय करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। आउटपुट वन आ गया इसमें, ये बेसिकली एक एडर का आउटपुट है, तो उसमें अगर के वन आ गया तो इसका मतलब ये इनवैलिड वीसीडी, इसे हमें वैलिड करना पड़ेगा। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन इससे होगा, के वन आया इसका मतलब इसमें हमें कुछ साथ इसमें फर्दर कुछ करना होगा, वो आगे आप देखेंगे किस तरीके से हम इसे वैलिड वीसीडी बनाते हैं। एक तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, तो 16 से लेके 19 तक का आइडेंटिफाई हो गया। अब बाकी इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें, देखिए द अदर सिक्स कॉम्बिनेशन फ्रॉम 10 to 15 दैट नीड अ करेक्शन हैव अ वन इन पोजिशन Z8। तो यहां पर देखिए Z8 पोजिशन पर वन आ रहा है कि नहीं, इसमें इन सभी वन आ रहा है तो इससे ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम है कि जो 8 और 9 इस पर भी वन होता है। अगर मैंने Z8 पे वन देखा और उसके हिसाब से मैंने कहा कि इनवैलिड है, तो 8 और 9 को भी मैं इनवैलिड समझ लूंगा। तो सर्किट को ये बताना होगा, सर्किट को अब ये थोड़ी पता है कि 8 और 9 है, उसने तो वन देखा, जो आपने लॉजिक दिया जिस तरीके से उसने वन देखा और वो आगे उसके हिसाब से जनरेट कर देगा। तो यहां पर ये फेल हो जाती कंडीशन, तो इसे थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा कि सिर्फ इसी बात से काम नहीं चलेगा कि Z8 पर वन देख लिया और आप कह देंगे कि जो आ रहा है वो इनवैलिड वीसीडी है, बिकॉज इन दो के केस में वो गड़बड़ हो रहा है। तो ये लिखा हमने टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम बाइनरी, 8 का बाइनरी है और 9 का बाइनरी है, व्हिच आल्सो हैव वन इन पोजीशन Z8, वी स्पेसिफाई फर्दर दैट आइदर Z4 और Z2 मस्ट हैव वन। तो इसमें ये और कंडीशन कह दी कि Z4 और Z2 में वन होना चाहिए। जैसे यहां पर देख रहे हैं Z4 में वन है और यहां पर Z2 में वन है, और इसमें दोनों में Z4 Z2 किसी में भी वन नहीं है। तो फर्दर ये और कंडीशन कह दी या तो Z4 में वन होना चाहिए या फिर Z2 में वन होना चाहिए। क्लियर है? तो इस कंडीशन को हम एक बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो कैरी होगी सी आउटपुट कैरी इज इक्वल टू के, पहला वाला कंडीशन कह दिया ये आ गया के प्लस क्या है Z8 × Z4, Z8 × Z4 इनका मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा, तो ये कवर्ड हो गए। उसके बाद फिर Z8 × Z2 नेक्स्ट है जो Z8 × Z2, ठीक है। तो किसी से भी अगर आउटपुट वन आ जाता है, कोई भी कंडीशन होगी तो डेफिनेटली सी जो कैरी आउट है वो वन आ जाएगी। कोई भी कंडीशन इसमें से, अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा 10 से लेकर 19 तक का, तो आप चेक करके देख सकते हैं जो कैरी है वो वन आ जाएगी। क्यों, इसमें से कोई नंबर लेंगे तो K1 दिया है, क्योंकि यहां पर और गेट लगेगा ना, इन तीन को ऐड कर दिया है, तो कोई भी कंडीशन मैच कर गई आउटपुट सी का वन आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टेबल से ही हमने निकाला एक्सप्रेशन। अब देखिए इसे आप किस तरीके से सर्किट में डिजाइन करेंगे। जो बीसीडी एरर जो आपको बनाना है, बीसीडी एरर हम पढ़ तो डेसिमल एरर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे डेसिमल एरर पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें ये बीसीडी एरर क्यों चल रहा है। जैसा मैंने बताया डेसिमल एरर बनाने के लिए इंटरनली बेसिकली बीसीडी का ही एडिशन हो रहा है, ठीक है ना, बीसीडी ऑपरेशन ही हो रहा है, इस वजह से हम बीसीडी एरर की बात कर रहे हैं। तो ये डायग्राम है, देखिए ब्लॉक डायग्राम। तो सिंपली हमने 4-बिट बाइनरी एडर लिया है, तो 4 बिट आपको जैसे ए और बी दो नंबर हुआ करते थे, 4-4 बिट उसकी हो गई, एक एडेंड और एक ऑगेंट, ठीक है ना, 4-4 बिट हो गई इसकी, 8 ही इनपुट हो गए और एक कैरी इन, 9 इनपुट हो गए, ठीक है, और 4 सम के आउटपुट आते हैं जब ये एडिशन होगा, तो 4 सम आएंगे और एक कैरी आएगी। ये तो आता है सिंपली, आपको पता है इनके नाम हमने Z8 Z4 Z2 Z1 रख दिए हैं, बेसिकली बिट पोजिशन शो कर रहा है 1 2 4 8, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद जो टेबल अभी आपने देखी थी ये, तो वो ये Z8 Z4 Z2 Z1 और K जो आउटपुट आ रहे हैं, इस एडर के जो आउटपुट आ रहे हैं उन्हें शो किया है। अब इनके ही फर्दर जो हमने C के लिए अभी एक्सप्रेशन लिखा था, इन्हीं को ही ऑब्जर्व करके लिखा था, ठीक है ना, तो उसे हमने इंप्लीमेंट कर लिया यहां पर। C = क्या था, कैरी आउटपुट था जो C = K+Z8 Z4+Z8 Z2, तो उसे इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो K ही आ गया एक, Z8 और Z4 एंड ऑपरेशन कर दिया, फिर Z8 और Z2 का ऑपरेशन कर दिया यहां पर, Z8 और Z2 इसे और करके, तो ये सी आउट हो गया, इसके लिए एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो जब कभी सी आउट वन आता है
कैरी आउट वन आता है, तो उस केस में क्या करना होता है, हमें सी आउट वन आने पर पता चल जाता है कि जो बाइनरी आ रहा है वो एक वैलिड बीसीडी नहीं है। जीरो से लेकर नाइन तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना, और जीरो के नाइन तक का कोई अगर सम यहां पर आता भी है तो सी आउट की वैल्यू वन नहीं आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि यहां पर तो ये कोई कंडीशन मैच ही नहीं करी ना। सी आउट जो हमने डिजाइन किया है वो इनके लिए डिजाइन किया है, बेसिकली इनके लिए किया नहीं है। तो उस केस में बाइनरी और बीसीडी दोनों सेम होते हैं, तो उस केस में सी आउट जीरो आएगा, और सी आउट जब जीरो आएगा तो ये नीचे का जो सर्किट आपने एक और एडर लगाया है, पहले जीरो के लिए समझ लीजिए फिर आप वन के लिए समझना। तो जब जीरो आता है तो उस केस में ये बिट जीरो हो गई, तो ये बिट भी जीरो हो जाएगी, ये बिट जीरो हो जाएगी, और ऑलरेडी ये हमने दो बिट जीरो ही अप्लाई कर रखी है, तो जो सम आ रहा था उसमें जीरो ऐड किया है, तो कोई फर्क पड़ेगा सम पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जो सम होगा इसके बराबर ही होगा, क्लियर है। लेकिन जब सी आउट वन आ जाता है उस केस में क्या होगा, जब ये वन आ जाएगा तो इसका मतलब उस केस में जो यहां पर सम आया है उसमें हमें सिक्स ऐड करना होता है, बेसिकली 0110 बाइनरी ऐड करना होता है। किसी भी बाइनरी को आपको वैलिड वीसीडी बनाना है, एक इनवैलिड वीसीडी है उसे आप वैलिड वीसीडी बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको 0110 ऐड करना होता है, सिक्स का बाइनरी आप ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब सिक्स का बाइनरी क्यों ऐड करते हैं आपके दिमाग में ये आ सकता है, बिकॉज जीरो से लेकर नाइन तक तो होते ही कॉम्बिनेशन, अगर आप इसमें सिक्स जोड़ते हैं तो आप 15 पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसमें सिक्स का बाइनरी जोड़ेंगे तो इसका जो पूरा 4 बिट से कितना आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 तक। तो जितने कम बचे हुए हैं, जो टर्म्स बचे हुए हैं इसके बाद के, 1 2 3 4 5 6, वो बेसिकली हम ऐड करते हैं, तो वैलिड फिर दोबारा साइकिल रिपीट हो जाएगा, कैरी आगे चला जाएगा फिर रिपीट हो जाएगा, इस वजह से, क्लियर है। तो इसे अगर आप देखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल 9 है, ठीक है ना, उसके बाद 10 आया, तो 10 इनवैलिड वीसीडी है जो हमने ये बनाया, और आप इसे वैलिड बनाना चाह रहे हैं तो 10 में कितना जोड़ेंगे बाइनरी, 6 जोड़ेंगे 10 में, तो 16 हो जाएगा। एक्चुअल में इसे देखें तो ये किसका बाइनरी है, 16 का ही तो है, 1 2 4 8 16, 16 का बाइनरी है, तो वैलिड बन गया, क्लियर है। तो यहां पर हमें 6 जोड़ना होता है, तो 6 कैसे जोड़ सकते हैं, 1 तो यहां से आ ही रहा है, तो 1 1, और 1 यहां से 0 पहले से हमने दे दिया है, तो 0 1 1 0 6 हो गया। इसे ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपको S1 S2 S4 S8, ये आपका बीसीडी में मिल जाएगा, और यहां कैरी आउट था ही, तो एक ये भी आउटपुट हो जाएगा, ये कैरी तो बनी रहेगी, 1 यहां से आ जाएगा बाकी सब यहां से आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ये ऑपरेट करेगा। यहाँ पर हमने इसका थ्योरी भी थोड़ा सा लिख दिया है कि बीसीडी इज अ सर्किट दैट एड्स टू बीसीडी डिजिट्स इन पैरेलल एंड प्रोड्यूस सम डिजिट आल्सो इन बीसीडी, ठीक है ना। तो बीसीडी में हमें मिल रहा है जो सम भी मिल रहा है, द टू डेसिमल डिजिट्स टुगेदर विद द इनपुट कैरी आर फर्स्ट एडेड इन द टॉप 4 बिट बाइनरी एडर टू प्रोड्यूस द बाइनरी सम। ये ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं, पहला जो है, ठीक है ना, तो उसमें बाइनरी सम मिल जाता है। व्हेन द आउटपुट कैरी इज इक्वल टू 0 नथिंग इज एडेड टू द बाइनरी सम। When C out is 1, binary 0110 is added to the binary sum through the bottom 4-bit binary adder. तो ये हमने यहाँ पर working भी थोड़ा सा इसका लिख दिया है। To add 0110 to the binary sum, we use a second 4-bit adder as shown in figure. तो ये second 4-bit adder लगाया गया है। अगर पूछें ये second 4-bit adder क्यों लगाया गया, basically तो इसे जो invalid BCD आया था उसे valid बनाने के लिए, जो आपने 0110 add करना है, तो इसकी मदद से ये add कर पाओगे ना, इस वजह से लगा है। तो क्लियर है, आई थिंक आपको डेसिमल एडर समझ में आया होगा। अगर बीसीडी एडर भी आता है तो भी आप बता सकते हैं किस तरीके से बीसीडी एडर सही तो रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो डेसिमल एडर और बीसीडी एडर आई थिंक आप एक्सप्लेन कर पाओगे। थैंक यू।